हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आपने कल भी कुछ हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस किए थे, आज कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन में। जैसे कि आज फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं वर्कशीट से। इफ वाई इक्वल टू एक्स प्लस अनरूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर क्या है, एन है, देन वन प्लस एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश प्लस एक्स इंटू वाई डैश इज, ये किसके इक्विवेलेंट होगा? ये वाली टर्म किसके इक्विवेलेंट होगी? एन स्क्वायर वाई या माइनस ऑफ एन स्क्वायर वाई या माइनस वाई या ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू वाई। तो डिफरेंशिएट करते हैं, और डबल डिफरेंशिएशन आपको क्लियर है कि डबल डिफरेंशिएशन में क्या कैसे कर रहे हैं क्वेश्चंस। तो स्टार्ट कर रहे हैं वाई का, जैसे हम डिफरेंशिएट कर रहे थे, ये तो कितना हो गया वाई डैश, इस पूरे को हमने एक्स माना और एक्स टू द पावर एन के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा एन एक्स प्लस अनरूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर एन माइनस वन। फिर जिसको आपने एक्स माना था उसका मल्टीप्लाई में डिफरेंशिएशन, एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया वन और रूट एक्स का हो गया, इसको हम रूट एक्स बोल रहे हैं, तो कितना हो जाएगा वन अपॉन ट्वाइस ऑफ रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर। फिर जिसको आपने एक्स माना था रूट के अंदर, किसको, वन प्लस एक्स स्क्वायर को, फिर इसका मल्टीप्लाई में डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एक्स। क्लियर हुआ? ये टर्म हमारी यहां से कैंसिल आउट हो गई, तो ओवरऑल टर्म इसको एलसीएम ले लेते हैं एक बार। तो एलसीएम लेके क्या टर्म बन रही है, वाई डैश ये एन एक्स प्लस अनरूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर ये एन माइनस वन है, और यहां जब हम एलसीएम ले रहे हैं तो ये क्या बन जाएगा रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस का एक्स डिवाइड बाय अनरूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर हुआ? ये टर्म बन गई। अब ये तो आया आपका सिंगल डिफरेंशिएशन, मैंने आपको कहा था कि सॉल्व करते हुए हम इस टाइप से डबल डिफरेंशिएशन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये प्रूफ वाले टाइप क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो इसको आप जिस फॉर्म में दे रखा है, हिंट हमको दे रखी है क्या चीज लानी है, तो अगर ये सॉल्व करते करते अपने आप ही बन जाए तो हमारा क्वेश्चन ईजी हो जाता है, ठीक है, इजिली आंसर निकल जाता है। तो अब वाई डबल डैश हमने, वैसे वाई सिंगल डैश तो हमने निकाल लिया, वाई डबल डैश भी निकालेंगे, अगर अपने आप सॉल्व नहीं हो रहा तो हमको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ती है। तो इसको अपने आप कैसे फॉर्म में बनाए कि y डबल डैश के साथ 1 प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है, जबकि हमारे पास रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो हम क्या करें इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इजी के लिए। तो ये रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये टर्म गई, यहां y डैश आई, और यहां देखिए क्या टर्म बन रही है कि n इंटू अंडर एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर n माइनस 1, और ये टर्म भी सेम ही है अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो ये टर्म सेम है, तो इसकी पावर तो है एन माइनस वन, और इस पे पावर कितनी आ जाएगी कुछ भी नहीं है तो क्या है वन। तो इंडाइसिस फॉर्म के अकॉर्डिंग क्या बन जाएगी एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर एन, पावर एड हो जाएगी ना एन माइनस वन प्लस वन, ठीक है। अब डबल डिविजन करना है तो सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व कर रहे हैं, ये यू इंटू बी से होगा, तो अंडर रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज वाई डैश का वाई डबल डैश प्लस वाई डैश एज इट इज अंडर रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर का वन अपॉन टू रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एक्स। ये हुआ। इधर फर्दर जो हमने वही किया था अभी, एन ये हो जाएगा एन स्क्वायर, क्योंकि एन आगे आ गया, तो एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर एन माइनस वन, और जिसको हमने एक्स माना था उसका मल्टीप्लाई डिफरेंशिएशन वन प्लस, इस टर्म कितना हो जाएगा टू रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एक्स, जो कि कट गए। फिर फर्दर वही सिंप्लीफाई करेंगे जो हमने यहां किया था, क्या इस टर्म को एलसीएम ले लेते हैं, तो देखो ये टर्म तो बन गई वन प्लस एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश प्लस ये टू से टू कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो ये एक्स वाई डैश डिवाइड में क्या है अंडर रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर, इधर टर्म क्या आ जाएगी एन स्क्वायर, और इसको सॉल्व कर रहे हैं एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर एन माइनस वन, और ये एलसीएम लिया हमने, तो वापस ये टर्म वही बन जाएगी वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स होल डिवाइडेड बाय क्या टर्म है अंडर रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये बोथ साइड है तो ये कैंसिल आउट हो गए, और ये टर्म क्या है सेम है, तो ये क्या हो जाएगी हमारे पास ये वापस बन जाएगा, ये तो एन स्क्वायर था ही एज इट इज,
और इसको हम सॉल्व कर रहे हैं तो क्या बन रहा है, एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर क्या बन गया, एन बन गया। तो ये आपका सिंप्लीफाई हो चुका है। अब आपके पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये क्या है, हमारे पास वाई है एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये टर्म क्या बन गई, वाई बन गई। तो ओवरऑल आपका आंसर क्या हुआ, वन प्लस एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश इक्वल टू एन स्क्वायर, और ये टर्म क्या बन गई, वाई। तो अपने आप ये टर्म बन गई, तो हमारे लिए इजी रहा। अदरवाइज हम क्या करते, ये वैल्यूज क्या करनी पड़ती, सब्स्टिट्यूट करनी पड़ती y डबल डैश की y सिंगल डैश की, फिर जाके देखते हैं क्या आंसर आ रहा था। तो ये हमें क्लियरली आंसर मिल गया, क्या आंसर मिला है, एन स्क्वायर y। क्लियर हुआ, आया सन में। और क्वेश्चन लेते हैं डबल डिविजन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ u इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड x इक्वल टू एस प्लस थ्री टी वाई इक्वल टू टू एस माइनस टी देन डी स्क्वायर यू बाय डी एस स्क्वायर, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, जो कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग दे रखी है, ये 12, 32, 36 और 10। तो ऑप्शन तो इजीली निकल जाएंगे, लेकिन हम किसको डिफरेंशिएट करें और किसके रेस्पेक्ट में करें। दिखने में तो ये लग रहा है पैरामेट्रिक फॉर्म, बट ये एक्स वाई फॉर्म में है, ये एस टी फॉर्म में है, और ये भी एस और टी फॉर्म में है। तो क्या करें और किसको पहले करें, तो डी स्क्वायर यू बाय डी एस स्क्वायर, मतलब यू को तो डिफरेंशिएट करना है एस के रेस्पेक्ट में और डबल डिविजन करना है। तो पहले यू को ही कर लेते हैं, इसको हमने किया तो यू इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो डी यू बाय डी एस, ठीक है, एस के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। अब इसको कांस्टेंट मान लेंगे, अगर हम कांस्टेंट मान लेंगे तो ये तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसको एज अ वेरिएबल कंसिडर करते हुए हम क्या ले रहे हैं, ट्वाइस ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एक्स एंड एक्स का डी एक्स बाय डी एस। फिर y स्क्वायर कर रहे हैं 2y dy बाय ds, ये टर्म आ जाएगी। और चाहिए क्या, डबल डिफिनेशन चाहिए, तो हमने ये करा डी स्क्वायर यू बाय डी एस स्क्वायर, ये टर्म किया। और यहां आप जब डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो ये u इंटू बी से हो जाएगा, 2 चलिए हम बाहर ले लेते हैं, तो x और dx बाय dx, तो x एस टीज इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा, डी स्क्वायर एक्स बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स बाय डी एस एस टी एस, और एक्स कितना हो जाएगा, वन। सिमिलरली वाई इंटू डी वाई बाय डी एस, ये दोनों वेरिएबल हैं, तो कैसे करेंगे, वाई एस टी एस और इसका डी स्क्वायर बाय बाय डी एस स्क्वायर प्लस डी वाई बाय डी एस, सॉरी यहां पर एक्स का डिफरेंशिएशन हमने गलत कर दिया, ये था dx बाय ds, तो एस टी था, तो x का क्या था, x का डिफरेंशिएशन पे तो dx बाय ds ही होगा, तो ये dx बाय ds का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ y एस टी डी वाई बाय डी एस कर रहे हैं, तो डी स्क्वायर वाई बाय डी एस स्क्वायर हो रहा है, और y का क्या करेंगे, y का वापस यही तो हो जाएगा, डी वाई बाय डी एस ऑलरेडी था, तो और क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर हुआ, तो ये टर्म बन गई, ऑलरेडी बाहर क्या था, 2 था। अब ये तो हमने डबल डिविजन तो कर दिया, ऑप्शन में क्या दे रखेंगे, कांस्टेंट वैल्यूज दे रखी है, तो ये कांस्टेंट वैल्यूज कैसे आएंगी, जब ये वैल्यूज हमें पता हो, तो ये वैल्यूज कैसे निकलेगी, हमें ऑलरेडी एक्स दे रखा है और वाई दे रखा है, तो टी एज ए कंफ्यूजन करने के लिए हमें टी एक क्या है, कांस्टेंट है, जो कि पैरामेट्रिक फॉर्म के अकॉर्डिंग टी एक पैरामीटर लेते थे हम। तो यहां से डीएक्स बाय डीएस की वैल्यू अगर हम निकालते हैं, यहां से हम निकाल लेते हैं, इधर कर लेते हैं, dx बाय ds की वैल्यू, यहां से dx बाय ds s का डिफिनेशन विद रेस्पेक्ट टू s हो रहा है ना, वन हो जाएगा, और ये तो कांस्टेंट है, जीरो हो गया, तो dx बाय ds चाहिए था और डबल डिफिनेशन भी चाहिए, तो इसका डबल डिफिनेशन क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर एक्स बाय डी एस स्क्वायर, जीरो मिल गया। सिमिलरली इधर से हम देखते हैं dy बाय ds निकाल लेते हैं, जो कितना है, 2 है, और डबल डिविजन कितना हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई बाय डी एस का स्क्वायर, वो कितना हो जाएगा, वो भी जीरो हो जाएगा। क्लियर हुआ, अब ये वैल्यूज हम कहां सब्स्टिट्यूट करते हैं, इस जगह सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो क्या हो रहा है, टू एक्स, अब एक्स डी स्क्वायर एक्स बाय डी एस स्क्वायर, ये टर्म है, लेकिन अब एक्स क्या ले और वाई क्या टर्म लेंगे,
अब एक्स और वाई क्या लें, तो अभी तक तो कुछ दिख नहीं रहा, अदरवाइज तो इसी में से लेना पड़ेगा। अगर ये लेते हैं एस प्लस थ्री टी और टू एस माइनस टी, तो एस और टी की वैल्यू हमें पता ही नहीं है, तो हम तो जो वैल्यूज आई है उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो एक्स इंटू डी स्क्वायर एक्स बाय डी एस स्क्वायर क्या है, जीरो है, तो एक्स की वैल्यू की जरूरत ही नहीं पड़ी। डी एक्स बाय डी एस कितना है, वन है, तो वन का स्क्वायर भी कितना हो जाएगा, वन ही हो जाएगा। प्लस वाई डी स्क्वायर वाई बाय डी एस स्क्वायर वो भी कितना है, जीरो है। प्लस डी वाई बाय डी एस वो कितना है हमारे पास, टू है, तो टू का स्क्वायर हो गया। तो ओवरऑल टर्म कितनी बन गई, टू, ये टर्म क्या हो जाएगा, वन प्लस फोर फाइव, तो कितना आ गया हमारे पास, टेन आंसर आ गया। क्लियर हुआ किस टाइप से करना है, अगर बीच में हम छोड़ देंगे इसको कि एक्स और वाई है ही नहीं हमारे पास, कैसे करेंगे, तो अटक जाएंगे, सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। तो जितना आप आ रहा है उतना हम लेते हुए सॉल्व करते गए, तो एक्स और वाई की जरूरत ही नहीं पड़ी और कॉन्स्टेंट आंसर आ गया। क्लियर हुआ, कोई अलग टाइप का क्वेश्चन था जो कि जेई में आया हुआ है, और इससे पहले जो आपने क्वेश्चन किया था वो भी जेई में आया हुआ है। क्लियर हुआ आपको ये क्वेश्चन कैसे करना है इस टाइप के, तो थोड़ा ध्यान देना इस टाइप के क्वेश्चन पे, एज ए टाइप मार्क कर लीजिए इस क्वेश्चन को, कि ये इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आएंगे तो हम इसी तरीके से करेंगे। क्लियर हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारे पास, इफ वाई इक्वल टू वन माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाय टू फैक्टोरियल माइनस एक्स क्यूब बाय थ्री फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर फोर अपॉन फोर फैक्टोरियल माइनस अप टू डैश 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 अप टू इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो वाई डबल डैश की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको, जो कि ऑप्शन है एक्स माइनस एक्स माइनस वाई और वाई। इस टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी आपने किया था कि सिंगल डिफरेंशिएशन किया था, फिर इसको रीअरेंज किया था, किस फॉर्म में बन पा रहा था। क्लियर है, अगर आप ये फॉर्म ही पकड़ लें, सीरीज जो आ रही है वो आपने ऑलरेडी कर रखी है बाइनरी थ्योरम के अंदर, बहुत टाइप की सीरीज की थी आपने, साइन कॉस और लॉग टर्म फॉर्म, और एक फॉर्म और की थी आपने, कौन सी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म वाला फॉर्मूला बन रहा है हमारे पास कि 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल माइनस एक्स क्यूब अपॉन थ्री फैक्टोरियल, इस टाइप से चलता जा रहा है, और ऑड टर्म्स पे क्या जा रहा है, नेगेटिव जा रहा है। तो ये कौन सी वाली इक्वेशन बन रही है हमारे पास, ई टू द पावर माइनस एक्स वाली, ये सीरीज किसकी हो गई, ई टू द पावर माइनस एक्स की। तो आपको अगर क्वेश्चन स्पीड में करने हैं तो सीरीज याद रखनी पड़ेगी, जो कि आपने 11th क्लास में बाइनोमियल चैप्टर के अंदर बाइनोमियल थ्योरम के अंदर की थे बहुत सारे, ठीक है। तो ये किस फॉर्म में है, e टू द पावर माइनस एक्स वाली, तो अब तो आपके लिए इजी है कि सीरीज आपने पकड़ ली, अदरवाइज ये थोड़ा हमारे लिए लेंदी हो जाता। क्लियर है, जो कि आपने ऑलरेडी कर चुके हैं कि इसको डिफरेंशिएट करके वो हमको डबल डिवीजन करना पड़ता बस में। तो y इक्वल टू e टू द पावर माइनस एक्स, ये हमारे लिए इजी हो गया, ठीक है। तो कैसे कर रहे हैं, वाई डैश क्या आ जाएगा, वाई डैश हो गया माइनस ऑफ e टू द पावर माइनस एक्स, और वाई डबल डैश क्या आ जाएगा हमारे पास, y डबल डैश हो जाएगा वापस e टू द पावर माइनस एक्स, जो कि सिंपल हमारे पास आंसर आ गया। ये टर्म क्या है, y, तो y डबल डैश किसके इक्विवेलेंट हो गया, y के इक्विवेलेंट हो गया, जो कि हमारा आंसर क्या आया, d। इजी क्वेश्चन था, आया हुआ था जी में, इसलिए आपको करवा दिया, और अदरवाइज आप क्या करते इसको लेंदी मेथड से करते, इसलिए ये टर्म बताइए कि आप क्या ध्यान रखें, सीरीज भी ध्यान रखें। क्लियर हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारे पास, इफ एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल फंक्शन एंड एफ डबल डैश जीरो इज इक्वल टू ए, देन लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो ट्वाइस ऑफ एफ एक्स माइनस थ्राइस ऑफ एफ टू एक्स प्लस एफ फोर एक्स होल डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर इज, जो कि चार ऑप्शन है हमारे पास, थ्री ए टू ए फाइव ए या फिर फोर ए। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप बहुत बार कर चुके हैं कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी में, इस टाइप क्वेश्चन बहुत आए थे लिमिट्स वाले क्वेश्चन में बहुत किए थे, तो ये क्वेश्चन अब आपसे हो जाना चाहिए। तो मुझसे पहले आप लोग सॉल्व कीजिए इसका आंसर क्या आएगा, और जिनको क्लियर नहीं है वो यहां देखिए कैसे कर रहे हैं कि अब किस पे देख रहे हैं, लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो पे। तो अगर मैं यहां वैल्यू पुट करता हूं जीरो, तो क्या टर्म बन जाएगी, ट्वाइस ऑफ एफ जीरो माइनस थ्राइस ऑफ एफ जीरो, यहां एक्स की वैल्यू जीरो पुट करूंगा तो जीरो हो जाएगी ना, प्लस एफ जीरो होल डिवाइड बाय क्या हो गया, जीरो, तो टू प्लस वन थ्री हो गए और माइनस का थ्री, ये तो क्या बन रहा है, जीरो बाय जीरो फॉर्म बन गई, जीरो बाय जीरो फॉर्म बन गई। और लिमिट्स वाले रूल के अंदर आपको पता है कि जब भी जीरो बाय जीरो फॉर्म बनती है या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बनती है, तो आप क्या लगाते हैं, एल हॉस्पिटल
रूल यूज करते हैं, यही करते हैं ना रूल, एल हॉस्पिटल रूल। तो कैसे करेंगे इसको, न्यूमरेटर का डिफिनेशन कर रहे हैं, तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, ये तो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एफ डैश एक्स माइनस थ्राइस ऑफ एफ डैश टू एक्स, और फिर टू एक्स का फिर डिफिनेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, टू आ जाएगा, तो थ्री इंटू टू ये सिक्स हो जाएगा हमारे पास, प्लस फोर एफ डैश फोर एक्स, ध्यान है आपको कंपोजिट फंक्शन वाले डिफिनेशन, तो फोर एफ डैश फोर एक्स क्यों हुआ, क्योंकि फोर एक्स करेंगे तो ये एफ डैश फोर एक्स हो जाएगा, और फोर एक्स करेंगे तो कितना आ जाएगा, फोर आ जाएगा, और डिवाइड में कितना आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ एक्स, अभी भी हम जीरो पुट कर रहे हैं तो ये कितना हो गया, ट्वाइस ऑफ एफ डैश जीरो, फोर टाइम्स ऑफ एफ डैश जीरो कितना हो गया, सिक्स एफ डैश जीरो, और माइनस सिक्स एफ डैश जीरो, ऊपर जीरो बन रहा है और नीचे भी क्या बन रहा है, जीरो, अगेन जीरो बाय जीरो फॉर्म बन रही है, तो आप अगेन यूज कर सकते हैं, अगेन यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल, दोबारा यूज कर सकते हैं, क्या बन जाएगा, लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो, ये हो गया ट्वाइस ऑफ एफ डबल डैश एक्स माइनस ये एफ डैश टू एक्स का, तो एफ डबल डैश टू एक्स हो जाएगा, और टू और बाहर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा, ट्वेल्व हो जाएगा, ये यहां पर एफ डबल डैश फोर एक्स हो गया, और फोर एक्स करेंगे तो फोर और बाहर आ जाएगा, ऑलरेडी फोर था, कितना हो गया 16, और 2x कर रहे हैं तो कितना आ गया 2, ये टर्म हो गई। अब जीरो पुट करते हैं, आप लिमिट पुट कर रहे हैं, ट्वाइस ऑफ f डबल डैश जीरो माइनस 12 f डबल डैश जीरो प्लस 16 f डबल डैश जीरो होल डिवाइड बाय 2, तो क्या बन रहा है, f डबल डैश जीरो की वैल्यू ऑलरेडी आपके पास है कितनी, a, तो 2a माइनस का 12a प्लस का 16a होल डिवाइड बाय कितना हो गया 2, तो 16 माइनस 12 प्लस का 4 प्लस 2a कितना बन गया 6a बन रहा है, डिवाइड बाय 2 तो क्लियर हो गया कितना आ गया 3a आंसर आ गया। क्लियर हुआ आपको कि डिफरेंशियल तो हो ही रहा है लेकिन किसकी हेल्प से कर रहे हैं, लिमिट्स वाले पॉइंट यूज ले रहे हैं, और किसकी हेल्प से किया, एल हॉस्पिटल रूल। तो ध्यान रखिए किस मेथड से किया अपन ने, क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारे पास, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स लॉग ई बाय एक्स स्क्वायर होल डिवाइड बाय लॉग ई एक्स स्क्वायर प्लस टेन इनवर्स थ्री प्लस ट्वाइस ऑफ लॉग एक्स होल डिवाइड बाय वन माइनस सिक्स लॉग एक्स, और आपको फाइंड आउट क्या करना है, डी टू द पावर एन वाई और डी एक्स एन, मतलब n ऑर्डर का आपको डिफिनेशन करना है, जहां पर n क्या है, 1 या 1 से अबव, ठीक है, और आपको आंसर क्या है इसके अंदर, tan इनवर्स log x होल टू द पावर n या फिर 0 या फिर 1 बाय 2 या फिर नन ऑफ दिस। तो इनवर्स के अंदर आपको पता है कि एक्सपेंड कर लें या सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे लिए इजी हो जाता है, तो ये तो ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, ये हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाए तो कैसे कर लेंगे, जिसमें आपको log की प्रॉपर्टी ऑलरेडी पता है, तो कैसे लिख सकते हैं इसको, ये एफ एक्स हमारे पास y हो जाएगा, ये तो ये tan इनवर्स, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, log e माइनस का log x स्क्वायर, इस टर्म को ऐसे लिख सकते हैं, और चलो इसको डिवाइड में रहने देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, log e मल्टीप्लाई में थे तो ये क्या हो जाएगा, log x स्क्वायर। क्लियर हुआ यहां तक, और ये हमारे पास ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में ही है तो इसको तो हम छेड़ते ही नहीं है, इसको एज इट इज लिख देते हैं, ये 1 माइनस 6 log x, इधर log e कितना होता है, log e तो कितना होता है, 1 होता है, तो क्या लिख सकते हैं इसको, y इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस, इस 2 को भी आगे लिया है, तो ट्वाइस ऑफ log x होल डिवाइड बाय 1 प्लस ट्वाइस ऑफ log x प्लस tan इनवर्स, ये बन जाएगा आपका 3 प्लस ट्वाइस ऑफ log x होल डिवाइड बाय 1 माइनस 6 log x, ठीक है, देख सकते हैं अब तो आपको पकड़ में आ गया होगा कि क्या करना चाहते हैं हम इसके अंदर, किस टाइप से एक्सप्लेन करना चाहते हैं, क्योंकि आपको एक फॉर्मूला ध्यान आ गया, कौन सा वाला फॉर्मूला, कि tan इनवर्स
ए प्लस माइनस टेन इनवर्स बी, क्या फॉर्मूला लर्न किया था आपने, टेन इनवर्स ए प्लस माइनस बी होल डिवाइड ऑन वन माइनस प्लस ए बी, ये लर्न किया था फॉर्मूला। तो इस टर्म को ये लिख सकते हैं और इसको ये, तो ये अभी इस फॉर्म में हमारे पास क्वेश्चन है, इसको हम सेपरेटली एक्सपेंड कर सकते हैं ना। तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू टेन इनवर्स, ये तो हो जाएगा वन और माइनस है तो ये माइनस में रह गया, टेन इनवर्स ट्वाइस ऑफ log x, बनता है वापस टेन इनवर्स है a और ये b, तो वन माइनस टू log x अपॉन वन प्लस वन इंटू टू log x, क्लियर है। ऐसे ही हम इसको एक्सपेंड करते हैं, टेन इनवर्स थ्री प्लस टेन इनवर्स टू log x, ये बन जाएगा कि थ्री प्लस टू log x वन माइनस थ्री इंटू टू log x, सिक्स log x बन रहा है। तो यहां से क्या हो रहा है, क्लियर, टेन इनवर्स टू log x ये तो प्लस माइनस वाली कंडीशन में थे इसलिए कैंसिल आउट हो गए, टेन इनवर्स वन ये तो कितना होता है पाई बाय फोर, और इसको हम ऐसे लिख देते हैं टेन इनवर्स थ्री। तो क्या टर्म बन रही है, दोनों ही क्या है, हमको किसके रेस्पेक्ट में करना था, एक्स के रेस्पेक्ट में करना था, और दोनों ही क्या है कॉन्स्टेंट है, तो कॉन्स्टेंट का डिफरेंस कितना हो गया जीरो, सिंगल डिफरेंशियल ही जीरो जा रहा है। तो वाई टू दी पावर मतलब डिफरेंशियल करेंगे हम एन ऑर्डर तक तो वो भी क्या जाएगा जीरो ही जाएगा। तो क्लियर हुआ, डायरेक्ट हमने डिफरेंशिएट नहीं किया, इसको पहले सिंप्लीफाई किया और सिंपलेस्ट फॉर्म में आते ही क्वेश्चन हमारे लिए इजी हो जाता है, फिर हम डिफरेंशिएट इजिली कर सकते हैं। क्लियर हुआ इसका आंसर, क्या आया जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ y इक्वल टू एक्स क्यूब log ऑफ log 1 प्लस x टू द बेस e, देन y डबल डैश जीरो इज इक्वल टू, जो कि ऑप्शन है जीरो माइनस वन सिक्स log 2 एंड 6। तो क्वेश्चन वैसे तो इजी है लेकिन लेंथी जा रहा है क्योंकि एक्स क्यूब एंड log ऑफ log फॉर्म में दे रखा है और फिर सब्स्टिट्यूट भी करनी है, ज्यादा x है वहां जीरो पुट करना है, तो वो तो हम कर लेंगे लेकिन डिफिनेशन थोड़ा लेंथी है तो केयरफुली करते हैं। तो y का डिफिनेशन कितना हो गया, y डैश u इंटू v के अकॉर्डिंग कर रहे हैं तो x क्यूब एस्ट इज, और इसका डिफिनेशन log x, इस पूरे को हमने क्या माना x मान रहे हैं तो log x कितना होता है 1 अपॉन x, तो log 1 प्लस x, फिर जिसको x माना था उसका मल्टीप्लाई में डिफिनेशन कितना हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस x, फिर 1 प्लस x कितना हो जाएगा 1। ये तो था कि एक्स क्यूब ऐसे रखा, इसका डिफिनेशन किया आपने, अब प्लस log ऑफ log 1 प्लस एक्स टू द बेस e, अब एक्स क्यूब का डिफिनेशन कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 3x स्क्वायर, क्लियर हुआ। और अभी तो ये हमारे पास क्या आया, सिंगल डिफरेंशिएशन आया, डबल डिफिनेशन के लिए फर्दर हमको सॉल्व करना ही पड़ेगा इसका, तो कुछ हेल्प मिल सकती है हमें किसी फॉर्म के अकॉर्डिंग, कुछ कर सकते हैं हम इसमें। तो डबल डिविजन के लिए सॉल्व करना ही पड़ेगा हमें इसमें y डबल डैश, अब ये किस टर्म से हो रहा है u बाय वी से, ये टर्म किससे हो रही है u बाय वी, तो log e 1 प्लस एक्स एसटीज इंटू 1 प्लस एक्स, ये टर्म भी एसटीज रखी हमने, और किसका डिफिनेशन x क्यूब का, ये कितना हो गया 3x स्क्वायर, फिर माइनस x क्यूब एसटीज रखा हमने, और x क्यूब एसटीज रखते किसका डिफिनेशन कर रहे हैं हम इसका, तो ये किससे हो रहा है u इंटू वी से, तो इसमें फर्दर हमको सॉल्व करना पड़ेगा कैसे, u इंटू वी से सॉल्व हो रहा है क्योंकि ये डिनोमिनेटर फॉर्म, तो log 1 प्लस x एसटीज और 1 प्लस x कितना कर जाएगा 1, फिर प्लस 1 प्लस x एसटीज और log ऑफ दिस, इसका क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस x, ये हो जाएगा, ये टर्म कैंसिल आउट हो गई। तो u बाय v के अकॉर्डिंग कर दिया हमने, v एसटीज u का डिफरेंशिएशन, फिर u एसटीज v का डिफरेंशिएशन हो गया होल डिवाइडेड बाय, जो कि टर्म है हमारे पास log 1 प्लस x e, और इसको हम लिख लेते हैं इधर 1 प्लस x, ठीक है, इस पूरे का होल स्क्वायर, ये टर्म तो हो गई। अब ये टर्म भी हमको करनी है, तो ये भी किससे हो रही है u इंटू वी से, तो
log of log e 1 plus x, तो as t रखा हमने, अब किसका डिफाइन कर रहे हैं 3x square का, जो कि हो जाएगा 6x plus, ये टर्म अलग है और ये अलग चल रही है, फिर 3x square as t रखा, इसका डिफाइन कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा 1 upon log e 1 plus x, फिर log 1 plus x का हो जाएगा 1 upon 1 plus x, और 1 plus x कितना हो जाएगा 1। तो इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई नहीं करें, टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि हमसे पूछा क्या है, अगर कुछ प्रूविंग फॉर्म में बोला होता तो हम करते है ना, लेकिन इसमें बोला क्या है y डबल डैश इक्वल टू जीरो, जो कि कांस्टेंट वैल्यूज दे रही है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहां पर x की वैल्यू पुट करते हैं, तो y डबल डैश जीरो, अदरवाइज इसको सॉल्व करने जाएंगे, सिंप्लीफाई करने जाएंगे तो थोड़ा टाइम वेस्ट होगा, सिंप्लीफाई हो तो जाएगा लेकिन टाइम वेस्ट होगा। तो यहां से देखिए y डबल डैश जीरो, मतलब जहां जहां x है वहां जीरो पुट कर रहे हैं, तो देखो इस टर्म में तो जीरो पुट करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही, पूरा ही सॉल्व हो गया, यहाँ यहाँ एक्स की वैल्यू जीरो की, तो ये पूरा जीरो हो गया, जीरो हो गया ये टर्म, और यहां हम जब पुट कर रहे हैं, यहां पुट कर रहे हैं तो ये टर्म भी क्या हो गई जीरो हो गई, तो ये तो ओवरऑल हमें क्या मिल गया जीरो मिल गया। यहां से देखते हैं यहां पर भी एक्स टर्म है जीरो, और यहां पर भी एक्स टर्म है, तो न्यूमरेटर में एक्स टर्म मिल रही है, वैसे देखा जाए तो यहां एक्स की वैल्यू जीरो पुट कर रहे हैं तो भी क्या टर्म बन रही है लॉग वन, वो भी क्या होता है जीरो, जीरो बाय जीरो फॉर्म बन रही है, लेकिन लिमिट्स वाली फॉर्म नहीं है हमारे पास इसमें, डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी करनी है इसमें, तो ओवरऑल रिजल्ट हमें क्या मिल रहा है इसके अंदर जीरो मिल गया। आप एक्स की वैल्यू जो भी पुट कर रहे हैं तो ओवरऑल रिजल्ट के अकॉर्डिंग एक्स की वैल्यू पुट करने में क्या मिल रहा है हमें जीरो मिल रहा है, क्लियर है। डिफरेंशिएशन थोड़ा लेंथी है लेकिन वैल्यू जब सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो इजिली आंसर मिल पा रहा है, हम ज्यादा एक्सपेंड नहीं कर रहे इसको, हमने डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी, क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अब अ कर्व इज गिवन बाय द इक्वेशन x इक्वल टू a cos थीटा प्लस हाफ b cos 2 थीटा एंड y इक्वल टू a sin थीटा प्लस हाफ b sin 2 थीटा, देन द पॉइंट्स फॉर विच d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर इज इक्वल टू 0 इज गिवन बाय, तो क्या ऑप्शन मिलेगा हमें, या तो sin थीटा इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन 5ab, या फिर tan थीटा इज इक्वल टू थ्राइज ऑफ ए स्क्वायर प्लस ट्वाइज ऑफ बी स्क्वायर अपॉन 4ab, और या फिर सी ऑप्शन cos थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस ट्वाइज ऑफ बी स्क्वायर अपॉन 3ab, या फिर cos थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ट्वाइज ऑफ बी स्क्वायर अपॉन 3ab। तो क्वेश्चन किस फॉर्म में दिख रहा है, पैरामेट्रिक फॉर्म में दिख रहा है, जो कि x और y इक्वेशन हमें गिवन है इन टर्म्स ऑफ थीटा, थीटा एक पैरामीटर हो गया जिसको हम वेरिएबल लेके सॉल्व करेंगे, तो पैरामेट्रिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, सिंगल डिफरेंशिएशन निकालेंगे, उसके बाद वापस एक्स के रेस्पेक्ट में उसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो पैरामेट्रिक इक्वेशन आपने ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, तो करते हैं इसको dx बाय d थीटा, जब निकालते हैं dx बाय d थीटा निकल रहा है, तो a cos थीटा का तो हो जाएगा माइनस का a sin थीटा, और हाफ ऑलरेडी बाहर है, b भी बाहर है, cos 2 थीटा का हो जाएगा माइनस sin 2 थीटा, तो ये माइनस में हो गया साइन 2 थीटा, और 2 थीटा का हो जाएगा 2, जिससे ये कैंसिल आउट हो गया। ये तो आ गया हमारे पास dx बाय d थीटा, इसको आप कॉमन लेके माइनस साइन कॉमन लेके आप लिख दीजिए a साइन थीटा प्लस b साइन 2 थीटा। सिमिलरली अब निकालते हैं dy बाय d थीटा, तो a साइन थीटा का तो हो जाएगा a cos थीटा प्लस बी बाय टू, ऑलरेडी बाहर है, साइन टू थीटा का हो जाएगा ट्वाइस ऑफ कॉस टू थीटा, ट्वाइस हो जाएगा ना टू थीटा के अकॉर्डिंग, टू आ जाएगा बाहर, ये टर्म कट गई, तो ए कॉस थीटा प्लस बी कॉस टू थीटा। तो अब आपको क्लियर है कि डी वाई बाय डी एक्स क्या आ जाएगा, डी वाई बाय डी थीटा वाली टर्म को डिवाइड कर देंगे डी एक्स बाय डी थीटा वाली टर्म से, तो ये हो गया ए कॉस थीटा प्लस बी कॉस 2 थीटा डिवाइड बाय माइनस ऑफ ए साइन थीटा प्लस बी साइन 2 थीटा। अब फॉर्मूले में जाएंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा, क्योंकि ए और बी भी साथ में है, तो डबल डिवीजन करना है तो हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर ही देते हैं, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं एक्स के रेस्पेक्ट में, और थीटा एज ए वेरिएबल है तो इसको यू बाय वी के अकॉर्डिंग करेंगे, तो माइनस ऑफ
ए साइन थीटा प्लस बी साइन टू थीटा। थोड़ा ध्यान से करना होगा, लेंदी है, हल्की सी भी गलती हुई तो क्वेश्चन गलत हो सकता है हमारा। तो वी टर्म एज इट इज और यू का डिफिनेशन कर रहे हैं, तो ए कॉस थीटा का हो जाएगा माइनस ऑफ ए साइन थीटा, और बी कॉस टू थीटा है, कॉस है तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ टू बी साइन टू थीटा। क्लियर हुआ? अब इसमें मैं ले सकता हूं माइनस साइन कॉमन ले सकता हूं, तो ये प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो गए। क्लियर है? फिर यू बाई बी के अकॉर्डिंग वी एज इट इज, यू का डिफिनेशन हमने कर दिया, फिर माइनस क्या टर्म एज इट इज, कौन सी टर्म ले रहे हैं हम, यू एज इट इज, तो माइनस यू एज इट इज ए कॉस थीटा प्लस बी कॉस टू थीटा, ये टर्म एज इट इज। अब इसका डिफिनेशन, तो ऑलरेडी माइनस साइन जो बाहर था बाहर लिया तो ये तो प्लस हो गया, इसका हम डिफरेंशिएट कर देते हैं, इसका डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा का तो हो जाएगा ए कॉस थीटा, और साइन टू थीटा के अकॉर्डिंग हो जाएगा ट्वाइस ऑफ बी कॉस टू थीटा। क्लियर हुआ? और थीटा हम जब लेते हुए चल रहे हैं इसमें, अब ये टर्म अपने पास निकाल दी, थीटा थीटा फॉर्म लेके चल रहे हैं इसके अंदर अब, और होल डिवाइड में ये टर्म क्या बन जाएगी यहां आ रहा है, तो ये हो जाएगा ए साइन थीटा प्लस बी साइन टू थीटा। अब इसमें हम देख रहे थे कि एक्स के रेस्पेक्ट में किया है और थीटा एज ए वेरिएबल कंसीडर किया है, तो थीटा को एज ए वेरिएबल किया है तो डी थीटा बाय डीएक्स भी तो आएगा, तो इधर भी डी थीटा बाय डीएक्स आएगा, जहां जहां हमने डिफरेंशिएट किया है तो इधर डी थीटा बाय डीएक्स आएगा, इधर भी डी थीटा बाय डीएक्स आएगा, तो हम क्या कर रहे हैं पूरे में कॉमन ही ले लेते हैं। क्लियर हुआ ना? डी थीटा बाय डीएक्स पूरी टर्म में कॉमन ही आएगा। क्लियर हुआ? अब इसको एक्सपेंड करना ही पड़ेगा क्योंकि ऐसे हमारे पास कोई वैल्यू है नहीं, सिर्फ क्या बोल रखा है कि डी स्क्वायर बाय डीएक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो है, तो एक्सपेंड करना पड़ेगा और ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी बन रही होगी, तो सॉल्व करते हैं। इसमें ये टर्म है, पहले इसको सॉल्व करते हैं, ए साइन थीटा के अकॉर्डिंग करते हैं यहां पर, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा प्लस टू ए बी साइन टू थीटा इंटू साइन थीटा। क्लियर है? साइन थीटा को इस टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसे ही यहां मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ए बी साइन टू थीटा इंटू साइन थीटा, और ये टर्म यहां मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हो जाएगा प्लस टू बी स्क्वायर, मतलब फोर बी स्क्वायर, सॉरी फोर नहीं होगा, यहां तो बी था टू ही आएगा, टू बी स्क्वायर साइन टू थीटा। ठीक है? और इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो यहां लिखते हुए चलते हैं अपन, चलिए ये टर्म लिख लेते हैं, प्लस में ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, फिर ए वाली टर्म को उधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी कॉस टू थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है? फिर बी वाली टर्म से जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ए बी कॉस टू थीटा इंटू कॉस थीटा, और b वाली टर्म को जब इधर किया तो प्लस टू बी स्क्वायर, और ये था साइन स्क्वायर होना चाहिए था, ये साइन स्क्वायर टू थीटा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर टू थीटा, सेम टर्म है ना। क्लियर हुआ? तो ये तो न्यूमरेटर में हमने इसका किया मल्टीप्लिकेशन, और मल्टीप्लाई में क्या है, ये भी तो है डी थीटा बाय डीएक्स, तो डीएक्स बाय डी थीटा जो था उसका रेसिप्रोकल करते हैं, ये वाली फॉर्म थी ना, तो और ये टर्म हमने इसका होल स्क्वायर भी नहीं लिखा यहां पर, ये टर्म थी यू बाय वी का होल स्क्वायर, तो ये टर्म स्क्वायर बन गई, और क्या टर्म आ रही है यहां से, ये टर्म डी थीटा बाय डीएक्स, तो रेसिप्रोकल होते हुए क्या टर्म बन जाएगी, डिवाइड में एक और टर्म आ जाएगी जो कि ऑलरेडी था, तो ये हमारे पास ऑलरेडी डिवाइड होते हुए क्या बन जाएगा, ए साइन थीटा प्लस बी साइन टू थीटा होल स्क्वायर तो था, और ये होल क्यूब आ जाएगा। ठीक है? और माइनस भी नीचे ले लेते हैं। ये क्लियर हुआ आपको, समझ में आया यहां तक? क्लियर हुआ? तो इसके आगे सॉल्व करते हुए देखते हैं आप, कंडीशन हमारे पास क्या थी कि डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो,
तो ये टर्म इक्वल टू जीरो है, तो डिवाइड वाली टर्म क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो उधर जाके जीरो हो जाएगा, हट गया ये वाली टर्म। तो अब हमको सिंप्लीफाई करनी है सिर्फ ये न्यूमरेटर टर्म, और इक्वल टू जीरो है ही हमारे पास में, तो इसको हटा लेते हैं एक बार, क्या हो जाएगा सॉल्व कीजिए, क्या टर्म बन सकती है। यस, तो यहीं से देखते हैं कुछ सॉल्व हो पा रहा है क्या। जैसे ए स्क्वायर ये था ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ये था ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो ए स्क्वायर कॉमन आ गया, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, वन होता है, तो यहां से तो बच रहा है ए स्क्वायर और टू ए बी साइन थीटा साइन टू थीटा साइन थीटा और ए बी, ये थ्राइज ऑफ ए बी आ रहा है, थ्राइज ऑफ ए बी साइन टू थीटा और ये साइन थीटा, ठीक है। फिर ये टर्म ले लिया हमने, ये टर्म हो गई है टू बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और टू बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर टू थीटा, तो साइन स्क्वायर टू थीटा और कॉस स्क्वायर टू थीटा प्लस में क्या हो गया, वन हो गया, तो क्या बच रहा है टू बी स्क्वायर, तो ये हो गया टू बी स्क्वायर बच रहा है, और ये हो जाएगा थ्री ए बी कॉस टू थीटा, ये हमारे पास बच जाएगा, ये टू ए बी प्लस ए बी वाली टर्म बन के ये हो गया थ्री ए बी कॉस टू थीटा कॉस थीटा, और ये टर्म क्या थी इक्वल टू जीरो। तो फर्दर जब सिंप्लीफाई कर रहे हैं क्या टर्म बन रही है हमारे पास, इसको देख रहे हैं यहां से, तो ये हमारे पास ले लेते हैं ए स्क्वायर प्लस ये वाली टर्म, एक काम करते हैं उधर शिफ्ट कर देते हैं, और यहां थ्री ए बी कॉमन लिया तो ये बन गया साइन टू थीटा साइन थीटा प्लस कॉस टू थीटा कॉस थीटा, और ये टर्म उधर शिफ्ट कर रहे हैं तो माइनस ऑफ ए स्क्वायर माइनस ऑफ टू बी का स्क्वायर, ठीक है। ये थ्री ए बी भी हम हटा के यहां ले आते हैं थ्री ए बी, तो मिलने में तो ऑप्शन ये मिल रहा है हमें, देखिए साइन टू थीटा मतलब साइन ए, इसको बोल लेते हैं ए और बी, ये ए और बी, तो कोई फॉर्मूला ध्यान आ रहा है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, क्या फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी, तो ये फॉर्मूला बन गया कॉस ए माइनस बी के अकॉर्डिंग टू थीटा माइनस थीटा, और क्या इक्वल है माइनस साइन कॉमन लिया तो ए स्क्वायर प्लस टू बी स्क्वायर अपॉन थ्री ए बी, और ये टर्म क्या बन गई कॉस थीटा हो गया, क्लियर हुआ आंसर, टू थीटा माइनस थीटा मतलब सी ऑप्शन, क्लियर हुआ क्वेश्चन। ऐसा वैसा कुछ भी नहीं था, बट थोड़ा लेंदी था, हल्की सी भी कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई या साइन की गड़बड़ हुई तो हमारा आंसर गलत हो सकता था, क्लियर हुआ, समझ में आया आपको।